नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका टेक गुरु। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम अलैकुम सबको। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कि नर्सिंग जॉब्स। ओके, तो बहुत सारे बंदे थे मुझको पहले से पूछ रहे थे, अभी भी पूछ रहे हैं कि सर नर्सिंग जॉब, नर्स का जो जॉब होता है वो दुबई में है क्या, उसकी सैलरी क्या है। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे नर्स के बहुत सारे जॉब है, मेल नर्स भी है, फीमेल नर्स भी होते हैं, दोनों का भी बहुत सारा जॉब है। मगर दिक्कत ये आती है कि उन बंदों को इंडिया या आपके कंट्री में बैठ कर पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, जॉब कैसे मिलेगा। ठीक है, तो उन दोस्तों के लिए ये वीडियो है, तो जिस वीडियो पूरा देखा करिए, छोटा पॉइंट होता है, इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो अगर आप नर्स का जॉब दुबई में करना चाहते हो, आप मेल हो, मतलब आप मर्द हो या औरत हो, तो दोनों भी यहाँ पे जॉब कर सकते हैं नर्स का। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए तीन चीजें जरूरी है आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, नर्स अगर आपको दुबई में जॉब करना है तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी कंट्री की, आप कहाँ से भी हो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। शायद अगर आप इंडिया से हो तो आपको बैचलर जो होती है आपकी, वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, वो होती है 3 या 4 साल की, जो भी है आपके पास वो होनी चाहिए। ठीक है, तो और आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके मुल्क का, आपकी कंट्री का, एक से दो साल हो तो अच्छा है, स्ट्रांग है। ठीक है, और तीसरी बात की आपका कंट्री का रजिस्ट्रेशन आपके साथ होना चाहिए, मतलब अगर आप इंडिया से हो तो आपका रजिस्ट्रेशन वहां पे होना चाहिए आपकी कंट्री में। ठीक है, तो ये तीन चीजें अगर आपके पास है तो आप दुबई में नर्स का जॉब कर सकते हो। सैलरी इसकी बहुत अच्छी होती है, मिनिमम से मिनिमम अभी मैं बताने जाऊं तो मिनिमम से मिनिमम आपको 36,000 से ऊपर ही मिलेगी। ठीक है, 36,000 से ऊपर ही होती है, फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी मिलती है, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती है, रहने की होती है सुविधा, खाने की सुविधा होती है, बहुत सारे ज़्यादा, अगर मतलब अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो दुबई में इंडस्ट्री अगर कमाती है कोई तो वो मेडिकल इंडस्ट्री में ही ज़्यादा फायदा है, ज़्यादा वैकेंसीज भी है और उसमें सैलरी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो कौन से टाइप के नर्स होते हैं, या कम्युनिटी नर्स होती है, फिर क्रिटिकल केस की नर्स होती है, देन होम केयर नर्स होती है, देन मेंटल हेल्थ केयर की नर्स होती है, मतलब आपको तो पता है जो नर्स है काम कर रहे हैं उन सबको पता होता है उनका, तो वो सब जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो पहला तो सवाल ये कि सब लोग मुझे पूछेंगे कि सर हम विजिटिंग वीजा पे वहां पे आके क्या वो लाइसेंस या वो एग्जाम कर सकते हैं क्या, तो उसका जवाब है नहीं। विजिटिंग वीजा पर आप यहाँ पे आके उसका लाइसेंस या वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जॉब ढूंढना पड़ेगा। एक तो आपका जॉब ढूंढो या अलग फील्ड में जॉब ढूंढो। अगर आप नर्स हो, ठीक है, तो बहुत सारी हॉस्पिटल क्लिनिक्स है जो प्रोवाइड करती है विदाउट लाइसेंस आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है, मगर वो काम नहीं देते आपको पहले, काम मतलब वो अलग सा काम देंगे, आपको वीजा दे देंगे, फिर आप एप्लीकेबल हो जाते हो वो लाइसेंस, जो नर्स का लाइसेंस यहाँ पे निकालना है उसके लिए। तो यहाँ पे दो अथॉरिटी है हेल्थ की दुबई में, एक है HAAD, हार्ड बोलते हैं उसको, हेड मतलब होता है हेल्थ अथॉरिटी अबूधाबी, जो अबूधाबी की है, दुबई का कैपिटल है अबूधाबी, UAE का कैपिटल है अबूधाबी। ठीक है, और दूसरी है DHA, मतलब दुबई हेल्थ अथॉरिटी। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ता है आपका जॉब मिलने के बाद भी। मैंने पहले जैसे बोला था कि विजिटिंग वीजा पे आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर सकते हो, तो उसके बाद ये है कि वो जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए यहाँ का ID होना जरूरी है, जो आपको विजिटिंग में नहीं मिलता है, जॉब लगने पर ही मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, मेरे पास CV भेज दीजिए, मैं भी ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे क्लिनिक होते हैं, उनको नर्स की जरूरत होती है, तो कुछ क्लिनिक हॉस्पिटल होते हैं वो लोग सिर्फ रजिस्टर बंदे को ही लेते हैं, कुछ हॉस्पिटल होते हैं वो विदाउट
रजिस्ट्रेशन वाले बंदों को भी ले लेते हैं, फिर बाद में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। उसकी प्रोसीजर अलग होती है, उसका रजिस्ट्रेशन एग्जाम होता है, वो मतलब आपको पता होगा टेक्निकल, जो बंदे नर्स में होते हैं उनके हिसाब से उनका होता है, ठीक है। वो जो दो अथॉरिटी मैंने बोली थी, अबू धाबी हेल्थ अथॉरिटी एंड दुबई हेल्थ अथॉरिटी, उसके मैंने यहाँ पे नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें उसके लिंक्स डाल दिए हैं दोस्तों, तो आपको वहाँ पे जाके आप उसकी जानकारी पा सकते हो दोस्तों डिटेल्स में, ठीक है। अभी कोई आपकी कमेंट्स हो तो नीचे डाल दीजिए, आपकी कोई क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट्स हो तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। बहुत टाइम हो गया, मैं थोड़ा बीमार था इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था, अभी डेली ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो डालता रहूँगा दोस्तों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।